कोरोना वायरस को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया। दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। शाहीन बाग के प्रदर्शन पर भी लागू होगा आदेश, लेकिन भोपाल की तरफ रुख कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में आज एक नया मोड़ आने वाला था फ्लोर टेस्ट का, लेकिन वो हो नहीं पाया। बीजेपी ने अपने 107 विधायकों की लिस्ट यहां पर सौंपी है। देखिए, बहुमत का जो आंकड़ा है वो 104 है और इस आंकड़े से 3 कदम यानी कही जा सकती है बीजेपी आगे है। राज्यपाल से मुलाकात यहां पर बीजेपी विधायक की, और जानकारी आपको दे दें कि 107 विधायकों के साथ होने का दावा बीजेपी यहां पर कर चुकी है और उसकी ये लिस्ट भी यहां पर सौंपी गई है। कल कानूनी प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी एक सियासी तस्वीर उभर कर सामने आएगी। राज्यपाल से यहां पर शिवराज सिंह चौहान मिले, 107 विधायकों की लिस्ट यहां पर सौंपी गई है, यानी कि मध्य प्रदेश में सत्ता कायम करने के लिए बहुमत का आंकड़ा जो इस वक्त 104 होना चाहिए उससे 3 आगे। आपको पूरी आजादी है कि आप अगर कोई दूसरा मत रखते हैं तो बता दो। नहीं कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है, सब स्वतंत्र रूप से अच्छा सा है। सब एक साथ तो भाई ये किसी के ऊपर कोई मानता हूँ जो आप दे रहे हैं और यहाँ उपस्थित हैं, ये सब अपनी स्वेच्छा से और अपनी जो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका प्रयोग करने के लिए मुझे ज्ञापन किया है। और हमारी वरिष्ठ सहयोगी दीप्ति चौरसिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन के जरिए। दीप्ति, समझने की कोशिश करेंगे, फ्लोर टेस्ट भले ही नहीं हुआ लेकिन राज्यपाल के सामने यहां पर बीजेपी ने बता दिया कि 107 विधायकों का समर्थन उसके पास है। जी बिल्कुल, बीजेपी ने बता दिया है कि पूरे 107 विधायकों का समर्थन है। वो सभी विधायकों को लेकर बीजेपी के लीडर जो है सीधे राजभवन पहुंचे थे विधानसभा से, और वहां पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके साथ इतने सारे विधायक हैं, परेड जरूर नहीं कही जाए लेकिन अनऑफिशियली ये परेड भी हो गई कि बीजेपी अपने सारे विधायकों के साथ, सारे मेंबर्स के साथ वहां पर पहुंची। और बीजेपी कहीं ना कहीं उनका कहना है गवर्नर से कि सरकार को भंग किया जाए, बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि सरकार अल्पमत में है और अपना बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर पर आ भी नहीं रही है। तो यही वजह है कि सीधे सारे के सारे मेंबर्स के साथ में बीजेपी के लीडर्स, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी अपने विधायकों को लेकर सीधे गवर्नर हाउस पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी दीप्ति चौरसिया बता रही है कि भले ही ये सीधे तौर पर नहीं परेड कही जा सकती लेकिन परेड से कम भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने राज्यपाल के सामने 107 विधायकों की लिस्ट सौंपी है और साथ ही ये बता दिया कि बहुमत का जो आंकड़ा है उससे 3 ज्यादा इस वक्त उसके पास वो ताकत है जो कि कमलनाथ को सत्ता से गिरा सकती है और खुद सत्ता पर काबिज हो सकती है।